Hey guys, what's up? Welcome to my channel, Wicked Rider. आज मैंने एक प्रोडक्ट ऑर्डर किया था, डिलीवर हुआ है. यह है यंत्रालय का यूलैंजी GoPro माउंट, जो कि मेरे को GoPro अडेप्टर लगाने के काम आएगा. तो देख सकते हैं मेरे को कितने में पड़ा है. ये 1049 का, जो कि बिग बिलियन सेल चल रहा था, अदरवाइज अराउंड 1500 के प्राइस पे आता है. तो अभी इसको अनबॉक्स करेंगे. तो ये है कुछ इस तरीके का बॉक्स इसका, यूलैंजी V2. तो ये कंपैटिबल है विद GoPro Hero 5, 6, 7 ब्लैक. एंड जहाँ तक मैंने रिव्यूज देखे हैं अमेजोन साइट पे इस प्रोडक्ट के लिए, सिल्वर 7 सिल्वर को भी सपोर्ट करता है ये. इसके साथ में कुछ इस तरीके का माउंट मिल जाता है. अभी आपको खोल के दिखाते हैं इस बॉक्स में क्या क्या है. तो इसको इस तरह से रैप करके दिया गया है प्रॉपरली. तो ये है यूलैंजी का माउंट, और देखते हैं बॉक्स में क्या क्या है. तो ये कुछ स्टिकर्स मिल जाएंगे आपको, यंत्रालय स्कूल ऑफ गैजेट्स, ओके, एंड यूलैंजी का जो माउंट है कुछ इस तरीके से दिखता है. तो आप क्वालिटी देख सकते हैं इसका, काफ़ी प्रीमियम है, जो कि आपके माउंट करने में काम आएगा GoPro को, जो कि आपके GoPro को माउंट करने के लिए काम आएगा. तो इसमें कुछ इस तरीके का स्लाइडिंग विंडो दे रखा है, जो कि इजी है कंपेयरिंग टू आपका जो GoPro के साथ में बाय डिफॉल्ट जो केस आता है, हार्ड केस जो आता है. एंड ये कुछ स्पेस रहता है इसके अडैप्टर के लिए जो GoPro के साथ में मिलता है. एंड इसको निकाल भी सकते हैं आप जब नहीं यूज़ कर रहे हैं, अदरवाइज़ अगर यूज़ कर रहे हैं तो इसका जो बोयो का या रोड का जो माइक आता है उसको यहाँ पे माउंट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, जैसे इस इमेज में दिखाया हुआ है. तो अभी इसको लगा देते हैं GoPro Hero 7 ब्लैक. अभी इसको इंस्टॉल करके दिखाऊंगा. तो ये इस तरीके से ओपन कर सकते हैं, एंड उसके बाद में जो आपका GoPro है इस तरह से फिट हो जाएगा. इस केस को बंद कर देते हैं. तो जो क्लिप है ये यहाँ पे ऐसे क्लिप हो जाता है, जिससे कि ये खिंच ना पाए. तो ये आप देख सकते हैं टाइट हो चुका है ऑलरेडी, ओके. तो जो बटन रिकॉर्डिंग के लिए है उसके लिए प्रॉपर कटिंग दी गई है यहाँ पे. इधर पावर ऑन एंड ऑफ का बटन है. यहाँ पे है जो सी टाइप जो खोलने पे आता है, तो वो अभी के लिए ये शेल मैंने नहीं हटाया है. तो अगर आप अडेप्टर लगाने वाले हैं तो आपको ये रिमूव करना पड़ेगा. एंड जो वायर है अडेप्टर का, यहाँ से अडेप्टर आ जाएगा एंड यहाँ से वायर निकल के यहाँ पे लग जाएगा. तो अडेप्टर भी मैंने ऑर्डर किया है. तो अभी जो आपका GoPro है उसको ये जो केस है इसको कुछ इस तरह से पुल करेंगे तो ये निकल जाएगा. जैसे आप देख सकते हैं यहाँ इसका इस तरीके का कुछ दिया गया है क्लिप, जो कि ईजिली निकाल भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं अगर आपको रिक्वायर्ड है तो. तो जैसे अगर आप यहाँ पे इसको फिट करेंगे तो ये सी टाइप जो अडेप्टर आता है GoPro का, उसका एक वायर आके यहाँ पे लगेगा. तो उससे आपका जो व्यू है कुछ इस तरीके से आएगा, एंड जो भी रिकॉर्डिंग रहेगा आपका जो वॉइस है वो क्रिस्टल क्लियर आता है अगर आप अडेप्टर ऑर्डर करते हैं, अडेप्टर यूज़ कर रहे हैं. तो अभी तक के जो भी व्लॉग्स थे मेरे, उसमें विंड नॉइस काफ़ी देखने को मिल रहा था, तो इसलिए मैंने एक ऑर्डर किया है. तो जैसे अगर आपने ऑन करना है तो यहाँ पर बटन दबा सकते हैं. तो ये ऑन हो गया है यहाँ पर. ये लास्ट वाला व्लॉग का मेरा रिकॉर्डिंग है, वो भी व्लॉग जल्द ही मैं एडिट करके अपलोड करूँगा.
तो ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल भी इंटरप्ट नहीं कर रहा है। और जो रिकॉर्डिंग का बटन है, अगर आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये रिकॉर्डिंग शुरू हो जाता है। एंड जो आपका ये रहेगा, यहाँ पे आपका दिखाएगा, जो यहाँ पे है आपका दिखाएगा कि कौन सा मोड में रिकॉर्डिंग हो रहा है। 1080 60 FPS में मेरा रिकॉर्डिंग चलता है हमेशा। एंड इसमें दिखा देता है 4 hours 25 minutes का रिकॉर्डिंग है, बैटरी कितना बाकी है। तो जैसे भी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं तो देख सकते हैं आपको यहाँ पे रेड लाइट दिख जाएगा, तो वो भी ईजिली विजिबल है। उसके लिए भी यहाँ पे एक छोटा सा होल दे रखा है जैसे ईजिली विजिबल हो। सो आई होप आपको ये शॉर्ट सा वीडियो पसंद आया होगा रिलायंसी GoPro माउंट का। एंड जो भी है आगे आने वाले ब्लॉग्स में मैं इसको डेफिनेटली यूज़ करूँगा एंड रिव्यू इसका शेयर करूँगा।